हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मगध यूनिवर्सिटी के जो सेशन है वो बहुत पीछे चल रही है और इसको लेकर के मगध यूनिवर्सिटी लगातार काम कर रही है। और इसी काम करने के पीरियड में मगध यूनिवर्सिटी एक और डिसीजन लेती है। डिसीजन क्या है? डिसीजन रिलेटेड है पैट के, पैट से रिलेटेड, यानी PhD एडमिशन टेस्ट। पैट मीन्स PhD एडमिशन टेस्ट। और ये PhD एडमिशन टेस्ट कौन से साल का है? 2021 का। यानी 2020 तक पैट के तहत एडमिशन हुआ मगध यूनिवर्सिटी में, लेकिन 2021 से आपका मगध यूनिवर्सिटी का जो पैट एडमिशन है वो पिछड़ गई, पीछे रह गई। तो फाइनली मगध यूनिवर्सिटी अपने सेशन को पटरी पे लाने के टाइमिंग में एक और जो सेशन है यानी PhD का जो सेशन है उसको टाइम पे लाने के लिए पैट 2021 के लिए शेड्यूल को जारी किया। यानी पैट में एडमिशन कब से होगा, कब इसका एंट्रेंस का एग्जाम होगा, पैट में यानी कि PhD में एडमिशन लेने के लिए कब आप पैट के एग्जाम को दीजिएगा, कब आप एंट्रेंस के एग्जाम को दीजिएगा, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मगध यूनिवर्सिटी फाइनली पैट का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी की है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मगध यूनिवर्सिटी का जो पैट का जो नोटिफिकेशन आया है इसके अकॉर्डिंग कब से आपका फॉर्म फिलअप होगा, कब से आपका एंट्रेंस का एग्जाम होगा। साथ में ये भी मैं आपको बताऊंगा अप्लाइंग चार्ज कितना है, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपने 2020 में अप्लाई किया या अगर आपका नहीं हो पाया तो क्या आप कर सकते हैं, यानी आप भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में कंक्लूड करूंगा। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं डायरेक्टली मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी की गई उस नोटिस को, उस इन्फॉर्मेशन को। सो गाइस, देख सकते हैं ये रहा नोटिस मगध यूनिवर्सिटी बोध गया परीक्षा अधिसूचना है। परीक्षा किससे संबंधित है? बताया जा रहा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मगध विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग द्वारा PhD एडमिशन टेस्ट 2021 का आयोजन आगामी अप्रैल 2023 तक संभावित है। यानी 2023 में क्या होना है, पैट का टेस्ट होना है 2021 के लिए। और यह अवसर वैसे सभी इच्छुक प्रतिभागी के लिए है जो इस परीक्षा की अहर्ता रखते हुए शामिल होना चाहते हैं। यानी अगर आप इसके लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ ही यह मौका उन छात्रों के लिए भी होगा जिन्होंने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है कि वे कोरोना संक्रमण के कारण अथवा अन्य कारणों के तहत माह अक्टूबर 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षा से वंचित रह गए थे। यानी आखिरी बार जो इसका टेस्ट हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2020, और अगर आपने अक्टूबर 2020 में अप्लाई किया था लेकिन कोरोना के कारण से, कोविड के कारण से या किसी अन्य कारण से आप वंचित हो गए थे तो आप इसमें फिर से एक बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी जो आपने फॉर्म भरा था उसी फॉर्म के आधार पर आप एक बार पैट 2021 जो कि अप्रैल में होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में, यानी कह सकते हैं जो कल से आपका मंथ एंट्री करेगा इसमें होने वाला है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ आपको नियमों को फॉलो करना। चलिए मैं नियमों के बारे में बात करता हूं क्या-क्या इसके नियम है। तो पहली बात ध्यान रखिए कि PhD एडमिशन टेस्ट 2021 में ऑफलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के काउंटर से PhD एडमिशन टेस्ट 2021 का ऑनलाइन यानी जो आवेदन प्रपत्र है वो ₹100 जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो पैट 2021 में जो अप्लाई हो रहा है, यानी पैट 2021 के लिए जो अप्लाई हो रहा है ये ऑफलाइन के तहत अप्लाई होगा। और इसके लिए क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी के काउंटर पे जाकर के आप इसका फॉर्म कर देंगे जो कि आपको ₹100 में फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को लेने के बाद उसको भर करके क्या करना है, काउंटर पे जमा करना है। ध्यान रखिएगा अगर आपने 2020 में अगर आपने अप्लाई किया था लेकिन आप परीक्षा से वंचित थे तो आपका जो ऑनलाइन रिसीविंग होगा आप उस कॉपी को लेकर के जाइएगा काउंटर पे दीजिएगा, आपको भी फॉर्म देगा बट आपसे चार्ज नहीं लेगा। यानी जो ₹100 का चार्ज है वो आपसे चार्ज नहीं लेगा। जो आपने फॉर्म भरा था पिछले बार 2020 में उस फॉर्म को दिखाइएगा, यानी उस ऑनलाइन रिसीविंग को दिखाइएगा तो क्या होगा कि वो आपको नहीं दिखेगा, मतलब आपसे चार्ज वगैरह नहीं लेगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, आप भी को भर दीजिएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा जो ऑफलाइन आवेदन की तिथि है वो आपका 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक है। यानी कल से आपका जो फॉर्म है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि 15 अप्रैल तक अप्लाई होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो पैट एडमिशन टेस्ट में जो अप्लाई करने का जो फी है वो है जनरल कैटेगरी के लिए ₹1500, वहीं अति पिछड़ा SC ST BC1 के कैटेगरीज के लिए ₹1000। ये सारे अमाउंट आपको ऑफलाइन जमा करना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अप्लाई किया था 2020 वाले टाइम में और अगर आपके पास पेमेंट का स्लिप है, यानी जो ऑनलाइन आपने पेमेंट जमा किया था, अगर आपके पास वो स्लिप है तो आप उस स्लिप को क्या करेंगे, जमा कर देंगे आवेदन करने के टाइम में, तो आपका शुल्क नहीं लगेगा, यानी आपका शुल्क भी माफ़ हो जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन के साथ स्व अभिप्रमाणित स्नातकोत्तर का अंक प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ संलग्न करेंगे। पूर्व में ऑनलाइन माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थी के लिए यह भी अनिवार्य है। यानी जितने भी सारे कैंडिडेट पैट 2021 के लिए अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, अपने PG का जो मार्कशीट है उसमें क्या करेंगे, स्व अभिप्रमाणित यानी फोटो कॉपी करा करके साइन करके जमा करेंगे, साथ में अपने आधार कार्ड का और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के टाइम में ही जमा कीजिएगा।
तो इतना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पैट 2021 यानी 2021 के लिए आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरीके से ऑफलाइन है और मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा से जारी की गई इस नोटिस है, यह परीक्षा अधिसूचना है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि अगर आप पैट 2021 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे तो पूरी प्रोसेस, पूरी जो सिस्टम है उसको आप समझ गए होंगे और आप इस सिस्टम के तहत कल से आप अप्लाई भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।